सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम वो शैतानी हरकत ना करते तो ये मुसीबत ना उठानी पड़ती। सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। निरंजन, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने बुजदिल निकलोगे। इसमें बुजदिली की क्या बात है? तुम्हारे सामने वो लड़की को उठाकर ले गया, तुम और तुम्हारी साइंस उसका कुछ ना बिगाड़ सकी। मैं कर ही क्या सकता था? गलत फार्मूले बनाने के सिवा तुम और कर ही क्या सकते हो निरंजन? अच्छा अच्छा, ये बैठ छोड़। अब हमें प्रोफेसर रॉकेट में तो ले नहीं जाएगा, अब हमें करना क्या चाहिए? तुम फिक्र मत करो, अगर प्रोफेसर हमें चांद पर नहीं ले गया तो हम उसका रॉकेट बर्बाद कर देंगे। ख्याल बुरा नहीं, चलो। तुम्हारी इस रॉकेट की बर्बादी खरा था जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। तुम हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे ना? देखता हूं तुम कैसे जा सकते हो। आज मैं इस रॉकेट को बर्बाद कर देता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि तुम अपनी गलत के लिए अपने मालिक को भी धोखा दे सकते हो। मतलब के लिए हर इंसान किसी ना किसी की कुर्बानी देता है। आज तुम्हारी बारी है। आज मैं इस किस्से को खत्म कर देता हूं। आज ना तुम रहोगे ना ये तुम्हारा रॉकेट। मेरा सपना पूरा हो रहा है। आज मैं चांद की दुनिया में जा रही हूं। मेरी चांद की दुनिया, मेरे ख्वाबों की दुनिया। मुबारक हो रानी साहिबा, आपका सपना आपको मुबारक। कितना अच्छा होता अगर हम भी आपका साथ देते। तुम्हें तो मालूम है डॉक्टर ने तुम लोगों को साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया। मगर याद रखिए रानी साहिबा, आपका सफर खूबसूरत भी है और खतरनाक भी, और हमारा आपकी हिफाजत के लिए होना बहुत जरूरी है। तो सर क्या किया जाए? हम तो आपकी खातिर अपनी जान पे खेलने को तैयार है रानी साहिबा। हम इस तरकीब से आपके साथ चलेंगे
कि डॉक्टर अनिल को पता भी न चलेगा। हम संदूक में बैठ के छुप जाएंगे और उस संदूक को रॉकेट तक पहुंचाना आपका काम। एक बार रॉकेट हो गया तो डॉक्टर अनिल कुछ नहीं कर सकता। फिर हम होंगे और डॉक्टर अनिल। तरकीब अच्छी है, मैं अपनी तैयारी करती हूँ, तुम लोग अपनी तैयारी करो। ये सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह चांद और सितारों के दरमियान घूम सकेंगे। चांद की दुनिया पे उतरने वाले हैं। हमारी दिल की तमन्ना पूरी की, हम ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चांद, सितारे,